हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। लगातार बच्चे मिसिंग हो रहे हैं फरीदाबाद में। हम लगातार उनकी पोस्टर या फोटो डालते हैं, लेकिन एक बच्चा ध्यान रखिए, ये 5 साल के आसपास का बच्चा लग रहा है। ये बच्चा पुलिस को मिला है, स्टेट क्राइम ब्रांच है, ये बच्चा पुलिस को मिला है। तो अभी देख लीजिए, जरा बच्चे की शक्ल पहचान लीजिए, कहीं ऐसा ना हो ये बच्चा आपका हो। मिसिंग है बच्चा, अपना नाम शंभू बता रहा है या शामू है, लेकिन शंभू बता रहा है। इसकी बहन भी है, एक छोटा भाई भी है। फिलहाल के तौर पे कुछ कुछ जानकारी निकल के आ रही है कि पापा शायद मशीन चलाते हैं घर पे, बेटा माँ घर पे रहती है, समथिंग। बच्चा जो छोटा है जितना जानकारी दे पा रहा है तो बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल मैं कोशिश कीजिएगा इस खबर को थोड़ा शेयर करती रहेगा, क्योंकि किसी घर का चिराग है ये। सोचिए किसी का बच्चा है, ये मिसिंग है, आपकी एक शेयर से हो सकता है कि वो बच्चा अपने परिवार तक, अपने घर तक पहुंच जाए, किसी का माँ का लाडला ये बच्चा मिल जाए। ध्यान से देख लीजिए, बेटा आपका नाम क्या, जोर से बोलना बेटा, जोर से। कितना, क्या नाम बेटा? शंभू। शंभू, अच्छा। पापा क्या करते हैं, जोर से बोलना, शाबाश। पापा हाँ, मशीन चलाते हैं। मशीन चलाते हैं, अच्छा। मम्मी क्या करती हैं? मम्मी, जोर से बोलना। मम्मी घर में बैठी रहती है। घर में बैठी रहती हैं, अच्छा। भैया है, छोटा है बड़ा? छोटा है, अच्छा। दीदी है, बड़ी है छोटी है? अच्छा। तो अभी कहाँ तेरा घर है, मालूम है? नहीं मालूम। अच्छा, खाना खाया अभी? नहीं खाना खाया। खाना खा लिया, अच्छा। अभी कहाँ घूम के आया है? अच्छा, क्या खेलते, कहाँ खेल रहा था, घर से कहाँ से कब चला गया, क्या कर रहा था घर पे, मतलब क्या, घर से कैसे भटक गया, मतलब घर से कैसे निकल गया? मैं खेल रहा था। जोर से बोल। मैं खेल रहा था। खेल रहा था, कैसे, किसके साथ? अकेले। अकेले? कोई तुझे बुला के लेके आया था, या ऐसी, मतलब कोई बहका के लाया था, कोई किसी अंकल के साथ आ गया था, आंटी के साथ? चलिए, बच्चे से बस इतनी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि बच्चे को पता नहीं है। ध्यान से देख लीजिएगा, आप फिलहाल के तौर पर छोटा बच्चा है। फिलहाल मैं फिर आपको तस्वीरें दिखा दूं, किसी, ये कोशिश कीजिएगा इस खबर को थोड़ा शेयर करते रहिएगा, क्योंकि किसी के घर का चिराग है। देखिएगा, बच्चे को नहीं पता, अपना नाम शंभू बता रहा है। इसके भाई भी है, इसकी बहन भी है, लेकिन बहन कहाँ रहती है, गाँव में बता रहा है, लेकिन फिलहाल के तौर पर देख लीजिए बच्चा ये है। पुलिस को मिला है, देखिएगा, स्टेट क्राइम ब्रांच है, पुलिस लिखी है, स्टेट क्राइम ब्रांच को बच्चा मिला है। लगातार भटक रहे हैं पीछे काफी दिनों से, बच्चे को हर पुलिस थाने ले जा रहे हैं ताकि कहीं मिसिंग बच्चा हो तो देख लीजिए, क्योंकि लगातार आप हम समों से फोटो डलवाते हैं, ये सब डलवाते हैं, तो कोशिश कीजिएगा, जैसे हम आपके लिए मदद कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा इसकी भी मदद आप कीजिएगा। हम कोशिश कर रहे हैं, मदद मांग रहे हैं कि बच्चे को घर पहुंचाएं। फिलहाल के तौर पर पुलिस जाने की कोशिश करते हैं। भाई साहब एक बात है, जोर से बोलेगा सर, कहाँ से बच्चा मिला और क्या है इसकी जानकारी एक बार? ये बच्चा 2023 में बच्चा मिला था सारण थाने के एरिया में, और उस टाइम भी लोकल पुलिस के माध्यम से इस बच्चे को, जो भी इस बच्चे ने अपना बताया था किलो, जो भी एड्रेस पुलिस ने बताया था, सारण के एरिया में, राजीव कॉलोनी में, डबुआ में, सारे क्षेत्र में बच्चा घुमाया गया था, लेकिन बच्चे का कोई मतलब एड्रेस नहीं मिल पाया था उस टाइम भी। तो उसके बाद ये बच्चा गवर्नमेंट होम CCI में रह रहा है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में रह रहा है बच्चा। अच्छा, तो उसके बाद हमने भी काउंसलिंग किया, हमने भी इस बच्चे को पहले भी घुमाया था, पहले प्रयास में बच्चे का घर नहीं मिला है। फिर आज बच्चे को जो भी इसने एड्रेस अपना बताया था, सारण, जहाँ बच्चा मिला है सारण में, फरीदाबाद के तमाम एरिया में, सारण के आसपास के डबुआ में, सारण में, जवाहर कॉलोनी में, सभी हमने बच्चे को घुमा के लाए। करीब 2 घंटे से हम घूम रहे हैं बच्चे का घर ढूंढने के लिए, लेकिन बच्चे का घर का पता नहीं लगा है अभी। और तब हम आप लोगों से मदद मांगी है, सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया का इससे अच्छा प्रयोग नहीं हो सकता, तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके माध्यम से बच्चे का घर का पता लग जाए, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। बच्चे का ने कुछ अभी जानकारी दी है, कुछ ऐसे कुछ जानकारी दी? छोटा बच्चा है, थोड़ी जानकारी दे रहा है, लेकिन वो प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पा रही, लेकिन जो बच्चे जाए उसके आधार पे हमने बच्चे के इश्तेहार लगवाए हैं अपने फरीदाबाद जिले में, पता किया, अभी इसके नाम से कोई मुकदमा तो दर्ज नहीं है, भी एक जगह मिला है, दूसरी जगह उसका इसका मिसिंग का मुकदमा दर्ज हो, लेकिन किसी भी आधार बच्चे का परिवार का पता भी नहीं लगा है। जानकारी मिल जाती है तो कैसे संपर्क करें, जरा एक बार नंबर बताइए। जानकारी मैं आपको नंबर बता देता हूँ, 97290 790 80। मैं दोबारा बता देता हूँ, 97290 790 80। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, SI अमर सिंह मेरा नाम है, जो भी साथी इसके परिवार को जानता हो, इसके घर को जानता हो, इस नंबर पर संपर्क करें। ठीक है, तो देख लीजिएगा बच्चा, देख लीजिएगा, फिलहाल के तौर पर संपर्क नंबर भी आपको बता दिया गया, अमर सिंह है, छोटा बच्चा है। बार बार मैं आपको शक्ल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि लगातार आप सब कहते हैं कि मिसिंग की पोस्टर हमसे डलवाते हैं, किसी के फादर या किसी के भाई बंधु गुम हो जाते हैं तो हम उनकी फोटो डालते हैं, उसका एड्रेस डालते हैं कि ताकि उसको उसके परिवार तक पहुंचा सकें। देखिएगा, बच्चा सामने मिला है, तो कोशिश कीजिएगा इस खबर को थोड़ा शेयर करिएगा, आपका एक शेयर किसी के घर का चिराग या किसी घर की खुशियां लौटा सकता है। ये देख लीजिएगा, छोटा बच्चा है, फिलहाल के तौर पर परेशानी इस बात की आ रही है कि मिसिंग है बच्चा, घर का एड्रेस नहीं जानता, पता नहीं है। फरीदाबाद स्टेट क्राइम ब्रांच को
में मिला है, ये एसआई हैं, आपको बताऊं, अमर सिंह जी हैं, अमर सिंह को बच्चा मिला है, ये लगातार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हर थाने थाने जा रहे हैं ताकि बच्चे को पता चल सके इसकी मिसिंग का, इसका एड्रेस पता चल सके, ताकि उसके घर में, इसके घर को चिराग जो भी है घर का पता लगा सकते हैं। बच्चा है, एक्टिव है, नो डाउट। फिलहाल के तौर पर देख लीजिएगा, तमाम जितने भी साथी हमारे साथ, हम तो अपने जितने हमारे फॉलोअर्स हैं, हम तो कोशिश करेंगे, सबसे एक रिक्वेस्ट बोल रहे हैं, एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस खबर को थोड़ा शेयर कीजिएगा, इस छोटे बच्चे को उसके घर पहुंचाने की मदद कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी खबरें आप शेयर करते हैं हमारी, बहुत सारी खबरों पर कमेंट करते हैं, हमें ताने भी मारते हैं, हमारे सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे इस खबर को थोड़ा सा, आप किसी भी पर्पज में कुछ भी सोच लीजिएगा, लेकिन अदरवाइज मत लीजिएगा, एक घर का चिराग को घर पहुंचाने की मदद कीजिए, क्योंकि ये परिवार में मिल जाएगा तो सोचिए आप सभी को दुआ मिलेगी। फ़ोन नंबर आपको दिया हुआ है, किसी का एक शेयर भी हो सकता है कि इस परिवार के जो चिराग को घर पहुंचा सकता है। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ चैनल, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।